यहाँ से देखिए पुरानी दिल्ली का नज़ारा। यहाँ पे ना दो लोगों के लिए चढ़ने की जगह ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से लोग देखो जैसे चीटियाँ नजर आ रही है नीचे से। गाइस मैं ना इसी का वेट कर रहा था। यहाँ पे ये देखिए जामा मस्जिद में लाइट स्टार्ट हो गई है। यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। खुद देखा है, ठीक है, फोन छीनते हुए लोगों को। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि ओल्ड दिल्ली जाने के लिए वहां पे जो जामा मस्जिद है ना, बोला उसका वीडियो डालना। जामा मस्जिद आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर वहां पे कोई गया नहीं होगा ना, लेकिन उसका नाम जरूर सुना होगा कि बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। तो आज जाते हैं जामा मस्जिद, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो भाई लोग फाइनली पहुंचा मैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ से भीड़ ही भीड़ है भाई, भीड़ ही भीड़ है हर तरफ से, और मार्केट को हर तरफ से। ओ भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेलपूरी, यहाँ पे मिल रहा है पाइन एप्पल, यहाँ पे मिल रहे चप्पलें, यहाँ पे मिल रहे कपड़े। जामा मस्जिद कहाँ से, यहाँ से उल्टा चल रहा था। और यहाँ पे मिल रहे छोले भटूरे, छोले भटूरे। और अभी कोई फ़ोन ना छीन ले हाथ से, पर ध्यान रखना पड़ता है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे ना वो फ़ोन छीन लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे हाथ से कोई नहीं छीन पाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये है कि नहीं। दिल्ली में ना मैंने खुद देखा है, ठीक है, फ़ोन छीनते हुए लोगों को, तो हाँ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। हॉर्न मिल रही है, हॉर्न पी पी। यहाँ से जामा मस्जिद दिख रही है, देखो। पुरानी दिल्ली। अगर आपको सबसे ज्यादा वो स्ट्रीट फूड देखने है ना, तो यहाँ से आइए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ गेट नंबर 1 साइड से, मतलब स्ट्रीट फूड तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो दिल्ली का, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आज खाली वो जामा मस्जिद का व्लॉग बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रीट फूड का भी व्लॉग बनाएंगे, ओके। बिरयानी मिल रही है, बिरयानी। और यहाँ पे ना यहाँ की रबड़ी बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पे मज़ा आता है पर रबड़ी खाने में। तो हम रबड़ी नहीं खाएंगे, जब वो स्ट्रीट फूड दिखाना होगा ना उस टाइम हम रबड़ी खाएंगे, ओके। और यहाँ से भीड़ चेक करो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए सामने मिल रहा है मोहब्बत का शरबत। अब नफ़रत का शरबत पिए, मोहब्बत का सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, मोहब्बत का शरबत, नफ़रत का शरबत। अभी ना हम गेट नंबर 1 से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से, ओके। यहाँ से नहीं जाएंगे, गेट नंबर 1 से जाएंगे। मार्केट देखो, मार्केट कितना बड़ा है यहाँ से, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना व्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ से, कि फ़ोन का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से ना इस साइड से सब कुछ स्ट्रीट पे ही मिलता है, चाहे कपड़े ले लो, चप्पले ले लो, जूते ले लो, जो भी लेना हो यहाँ से ले लो, ठीक है। और इनको धक्का दे दो। आ चुका मैं गेट नंबर 1 के साइड, ठीक है, यहीं से जाते हैं हम जामा मस्जिद, ठीक है। और यहाँ से आपको कश्मीरी वाजवान भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कश्मीरी वाजवान खाना चाहते हैं, और यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कश्मीरी, क्या बोलते हैं उसको, कश्मीरी रेस्टोरेंट्स ये सब भी बहुत ही ज़्यादा है हर तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको दिल्ली स्ट्रीट फूड घूमना है ना, ठीक है, तो यहाँ आए गेट नंबर 1 के साइड, बिल्कुल सीधे गली जाती है जहाँ से आपको पूरा स्ट्रीट फूड दिखेगा, ठीक, चाहे वो मोहब्बत का शरबत हो या नफरत का शरबत, सब कुछ मिलेगा यहाँ से। ये देखो गेट नंबर 1 जामा मस्जिद का। अभी हमको उस पिलर पे चढ़ना था, लेकिन अभी वो नमाज का टाइम है, तो नमाज के टाइम ना वहाँ पे अलाउ नहीं करते। इस पिलर पे चढ़ेंगे हम, टॉप पे पूरा वो ओल्ड दिल्ली दिखाएंगे आपको आज। यहाँ की शेरमाल ना बहुत ही फेमस है, ठीक है, शेरमाल बोलते हैं इसको, ये ऑर्डर पे भी किया जाता है और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, यहाँ से मार्केट गेट नंबर 1 रहा ये, और यहाँ से देखिए ये गली, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ फेमस ही फेमस मिलेगा, ठीक है, चाहे वो यहाँ की रबड़ी हो, यहाँ का खाना पीना हो। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं फूड यहाँ का एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो अंग्रेज आए, ठीक है, जामा मस्जिद के लिए भी आते, और यहाँ का ये मार्केट, ये सब ना बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना मैं, उस टाइम ना मैं खाली फूड पे व्लॉग बनाऊँगा, पूरा व्लॉग ना फूड का दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसी साइड से वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, मोहब्बत शरबत या नफरत शरबत, ये देखिए मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत शरबत, ठीक है, ये पी के ना आपको मोहब्बत हो जाएगी। बस यहाँ पे ना एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जो कि आप देख रहे हो भीड़ कितनी ज़्यादा होती है यहाँ से,
मतलब गंदा लगता है मेरे को भाई ऐसे चलना कि ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी तो सही है भाई, थोड़ा सा वो एक तो फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है दिल्ली में, और वैसे ट्रैफिक हर तरफ से, खास कर जो ओल्ड दिल्ली है ना, यहाँ से हर तरफ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। हाँ, मस्जिद के लेफ्ट साइड ना यहाँ से कबाड़ी सामान मिलता है, ठीक है, गाड़ियों के सेकेंड हैंड सामान मिलते हैं, और यहाँ से आगे बहुत जगह है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो वहाँ से भी घुमाएंगे आपको, लेकिन अभी हमको खाली जाना है जामा मस्जिद की ओर। यहाँ से वो मार्केट, बहुत सारे मार्केट आते हैं यहाँ से, होल सेल मार्केट, हार्डवेयर, ये सब मार्केट का, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये रहा यहाँ से चावरी बाज़ार, ठीक है, यहाँ से ना सब कुछ लगभग सब कुछ यहाँ से होलसेल में मिलता है, ठीक है, चाहे आपको हार्डवेयर का सामान लेना होगा, कुछ भी लेना होगा, क्या बोल इसको, शादी के कार्ड्स, कॉपर, पता नहीं क्या क्या सब कुछ ना यहाँ से होलसेल मिलते हैं। देखो कॉपीज़ ये सब मिलते हैं, आगे जाके वो आता है सदर बाज़ार, वहाँ पे मेकअप इतना सस्ता मिलता है ना किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। यहाँ से चांदनी चौक ये सब है, और यहाँ से बंदर भी मिलेंगे, ये देखिए ये भी होलसेल में मिलेंगे सब कुछ मिलता है यहाँ से भाई, सब कुछ होलसेल में, ठीक है, चाहे वो घर का सामान हो या कुछ भी। फिलहाल हम जाते हैं जामा मस्जिद के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, ओके। जामा मस्जिद के ना बहुत सारे गेट्स है, यहाँ से भी है, उस साइड भी है, उस साइड भी है, इस साइड भी है, हम इस साइड जाते हैं गेट नंबर 1 से। ये देखो गाड़ियों के सेकेंड हैंड सामान मिलता है यहाँ पे, ओके, गेट नंबर 1 के राइट साइड से। ये देखो यहाँ पे कश्मीरी रेस्टोरेंट स्टोर, देखो समावार, हाँ, कश्मीरी जायका फुल वाजवान मिलेगा यहाँ पे। और ये रहा जी गेट नंबर 1 जामा मस्जिद का, ठीक है, ये देखो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है ना, ये उनमें से आती है, ओके, बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये जामा मस्जिद। और यहाँ पे लोग बैठते हैं सीढ़ियों पे, देखते हैं नज़ारा, क्योंकि बाहर से तो हर तरफ से भीड़ है, पतली पतली गलियाँ, ये सब हर तरफ से भीड़ है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति है। और ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है, ओके, ये यहाँ पे मेरा वेट करे, यहाँ पे मीटअप होने वाला है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना अलग ही मज़ा आता है बैठने में। पूरा मार्केट घूमोगे ना यहाँ से, फिर यहाँ पे आइए, रेस्ट करिए और मस्जिद जाइए। मैं जाता हूँ अभी मस्जिद के अंदर, ठीक है, चलो गाइस हम भी जाते हैं अब जामा मस्जिद के अंदर, ओके। पहले यहाँ पे अपने शूज़ निकालने हैं, ठीक है, उसके बाद अंदर जा सकते हैं। और ये रहा जामा मस्जिद का गेट, ओके, चलिए फिर जाते हैं मस्जिद के अंदर। और मस्जिद के अंदर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही बड़ी मस्जिद है, जैसे कि मैंने आपको बोला इंडिया में जो लार्जेस्ट मस्जिद है ना, ये उनमें से आती है, ठीक है। और ये देखो जामा मस्जिद, आप लोगों ने कमेंट किया था यहाँ पे, तो मैं बहुत बार आया हूँ, अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आया जामा मस्जिद दिखाने के लिए। यहाँ पे ऐसे ही लोकल्स भी आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, पे खाना भी खाते हैं या कुछ पीते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको बोला बाहर से ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति है। और यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे है एक छोटा सा तालाब जहाँ पे वज़ू ये सब करते हैं। ये देखो इनके गेट्स, ठीक है, यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है, हर तरफ से यहाँ पे आप जामा मस्जिद आ सकते हो। और यहाँ पे ना फॉरेनर भी बहुत सारे आते हैं, ये देखिए। ये देखो भाई साहब अंदर कितने फॉरेनर्स हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है। मैं वहाँ का भी वीडियो दिखाता आपको, लेकिन वहाँ पे मस्जिद है तो सीधी सी बात है वहाँ पे वीडियो ये सब अलाउ नहीं होगा, इसीलिए हम बाकी आपने बाहर से तो देख लिया जामा मस्जिद, अब जाते हैं पिलर के ऊपर, ठीक है, इतना पूरा व्यू दिखता है, इस पिलर पर चढ़ेंगे हम, ठीक है, ये लोग ना यहाँ से चींटियाँ दिखेगी, चींटियाँ। और गेट नंबर 1 के राइट साइड से आप टिकट निकाल सकते हो पिलर पर चढ़ने के लिए, वहाँ के लिए ना टिकट होती है, ठीक है, मस्जिद में आने यहाँ पर आने के लिए टिकट नहीं है, पिलर पे चढ़ने के लिए टिकट है भाई। यहाँ पे ना पहले सस्ती टिकट थी, अभी यहाँ पे 70 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होती है पिलर पे चढ़ने के लिए, लेकिन वो ना पूरा पैसा वसूल है, ठीक है, पूरा व्यू आप देख सकते हो जामा मस्जिद का वो पिलर से। ये देखिए टिकट, हाँ, चलिए अब जाते हैं, यही ऐसे ही ना हमको ऊपर चढ़ना है, दिखाता हूँ आपको भाई, पूरा थक जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी, कहीं भी जा सकता मैं आप लोगों के लिए। पहले देखिए अभी हम यहाँ के टेरेस पे आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ से व्यू थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी तो ठीक ही है, ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे चढ़ना है, पर पूरा थक जाते क्योंकि पूरा ना वो खड़ी सीढ़ी है वहाँ से। तो ये देखो भाई लोग, ये रहा यहाँ पे पिलर, इसी पिलर पे हमको चढ़ना है। इस मस्जिद को ना जामा मस्जिद को कहा जाता था मस्जिद जहन्नुमा, ठीक है, और ये पता है किसने बनाया है, मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने ये मस्जिद बनाई है उस टाइम पर।
तो चलिए गाइस आप जाते हैं पिलर की ओर, ठीक है, चढ़ते पिलर में। ऐसी ना छोटी छोटी सीढ़ियाँ है यहाँ पे जहाँ से हमको जाना पड़ेगा। और ये देखो खिड़कियाँ, सही है। और यहाँ पे ना दो लोगों के लिए चढ़ने की जगह ही नहीं है, ठीक है, इतनी छोटी छोटी सीढ़ी है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस पहुंचा मैं पिलर पे बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आना पड़ता है। और यहाँ से देखिए पुरानी दिल्ली का नज़ारा, वो ये देखो पूरा व्यू ना यहाँ से दिखता है। गाइस लुक एट दिस, ये रहा जामा मस्जिद का व्यू, पूरी जामा मस्जिद यहाँ से दिखती है। और वो जो सामने है ना, ये रहा लाल किला। ओके, यहाँ से लोग देखो से चीटियाँ नज़र आ रही है नीचे से, ये देखो भाई सही है ना। वहाँ पे देख लो भाई लोग गुम्बद कैफे, आपने मैं देखा होगा ये ना बहुत ही फेमस है यहाँ पे। भीड़ चेक करो यहाँ से गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है जामा मस्जिद में। हाँ वो भाई लोग अब जाते हैं वापस। ओके, और ये देखो ये हो गया यहाँ पे ट्रैफिक जैम, यहाँ पे हो रहा है ट्रैफिक जैम। हाँ जगह ही नहीं है चलने की। भाई लोग फाइनली उतर चुके हैं हम पिलर से वापस। भाई आगे ट्रैफिक जैम है, बहुत जाम है। हाँ जब तक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं आता तब तक नहीं खुलेगा। बाकी यहाँ से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर से तो ज्यादा ही अब मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ हाइट पे हूँ, ऊपर से तो सीधा चींटियाँ नजर आ रही थी। यहाँ से चेक कीजिए पूरा व्यू जामा मस्जिद का। ये देखो यहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, और वहां से देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है ब्रो यार। तो गाइज़ मैं ना इसी का वेट कर रहा था यहाँ पर, ये देखिए जामा मस्जिद में लाइट स्टार्ट हो गई है। गाइज फाइनली जामा मस्जिद से निकला मैं, ठीक है, अब जाते हैं घर, अब मिलते हैं आपसे सीधे घर में। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है शाम के टाइम। और यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, मुर्गा। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका, इसलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, बाय।